लिए ये बहुत फायदेमंद है, आपके अपने लिए काफी फायदेमंद है कि आप अपनी पर्सनल अपने ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपने ड्रेसेस हर तरह के बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए आजकल जो हालात जा रहे हैं, इतनी महंगाई है, उसमें आप सिंपल फैब्रिक को लेके जब आपके हाथ में नीटनेस आ जाए ना, तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत आसानी हो गई है। और खवातीन को मेरा ख्याल से कि कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए, अपने आप को वेस्ट ना करें। अगर हम कुछ पॉजिटिव नहीं करते ना, तो हमारा टाइम जो है ना वो बेमकसद चीजों के अंदर चला जाता है, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। एक तो नेगेटिविटी, दूसरा हमारा टाइम वेस्ट, दूसरा हमारा फाइनेंशियली भी हम कुछ नहीं करते। इसमें आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये हर तरह के स्टफ के ऊपर फैब्रिक पेंट हो सकता है। कलर्स मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए हुए हैं, पहले इतने अच्छे अवेलेबल नहीं थे। ये परमानेंट कलर्स हैं, ये वॉशेबल हैं, इनको कुछ फर्क नहीं होता धोने से। ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि ये खराब तो नहीं होते, ये बिल्कुल खराब नहीं होते। ये शर्ट एक आपके सामने है, ये पैटर्न इसके पूरे फ्रंट पे बना हुआ है, ठीक है। आप ये देखो कि इसके सिर्फ फैब्रिक का कॉस्ट है और कलर का आपका एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप जब स्किल एक ले लेते हो, तो आप सारी जिंदगी उससे काम ले सकते हो। अब दूसरा ये जो स्टफ है, ये सिल्क टाइप का मटेरियल है और ये शर्ट का फ्रंट है, ठीक है। इसमें हमने थोड़े से पर्ल्स ऐड कर दिए हुए हैं, जिससे ये और ज्यादा एनहांस हो गया हुआ है। अब यही वाला जो डिजाइन है, ये मेरे पास अभी रेड में बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो कॉटन के ऊपर है, वो भी मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करूंगी। ये देखें, ये फ्रंट के ऊपर सिर्फ दामन पे एक इस तरह से पैच हुआ हुआ है, और ये इसके नेकलाइन के ऊपर, ये साथ इसमें पर्ल्स का काम है। और अब ये वाली जो शर्ट है ना, इसी को कहीं ना कहीं से तो डिजाइन इंस्पायर्ड बंदा होता ही है जो बनाता है ना। सिर्फ एक बेल बनी हुई थी जो कि मैंने किसी ब्रांड की देखी थी, और ये 8,000 के अंदर शर्ट थी। तो आप जब कुछ सीख लेते हो, तो आप बहुत आसानी से ये बना लेते हो। बाजू पे है, दुपट्टे पे भी बन जाता है। ये देखिए सिंपल पर्ल्स ऐड हुए हैं, और कितनी इसकी बहुत ग्रेस है। जब भी कभी कोई पहनना जाता है हमारी फैमिली में ये, तो लोग कहीं पे भी जब मिलते हैं ना, जरूर पूछते हैं कि कहाँ से बनवाया और कैसे ये होता है काम सारा। और अब जो टाइम है ना, अब तो ऑनलाइन बहुत आसानी हो गई है कि हम ऑनलाइन बहुत आराम से अपने घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है, और आप घर बैठे आराम से अपना कंफर्टेबल माहौल में सीख सकते हो। आप बनाकर अपने करीबी इलाके में जो भी बुटीक्स हैं, आप उनको ये वहां पे रखवा सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी छोटे लेवल पे इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा आप अगर थोड़ा सा जब इसमें आपके हाथ में नीटनेस आती जाएगी ना, तो आप अपनी बुटीक भी शुरू कर सकते हो। अपने घर से, अपने छोटे से किसी रूम में आप अपना बना के एग्जीबिशन करवा लो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बुला लो, एकदम से सेल हो जाते हैं। बहुत आसान काम है, बहुत मजे का काम है। ये देखिए, आपको एक और मैं शर्ट दिखाऊं, ये दामन के ऊपर पैच बना हुआ है, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर, और इसके अलावा ये नेक लाइन और इसके स्लीव्स के ऊपर। मोस्टली जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये परमानेंट है, तो ये जो ड्रेसेस हैं और ये कलर्स हैं ना, इनकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं। अगर प्रॉपर सही तरीके से काम किया जाए ना, तो इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सालों साल ये चलते हैं। अब एक शर्ट में आपको दिखाऊं, बेसिकली ये शर्ट कलियों वाला फ्रॉक है, ये इसके पूरे फ्रंट के ऊपर देखिए इस तरह से बना हुआ है। और ये मैंने जो देखा था, ये
काली ब्रांड है सदफ इरशाद की, जिसके ऊपर ये तकरीबन कोई 30,000 में ना ये ब्राइडल उनके जो ड्रेसेस थे ना ये उसमें अवेलेबल था ये वाला डिजाइन। और आप खुद बनाते हो तो आपकी कॉस्ट जो है ना एक दफा आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है कलर्स की और वो काफी ज्यादा चल जाती है। कलर्स की जो मैं आपको बताऊं कि बहुत तरह के कलर्स है इनके अंदर। अब जोन से कलर ज्यादा मुझे रिजल्ट जिनका बहुत ही जबरदस्त मिला है वो ये कंपनी है एक्रेलिक और मैरीज कंपनी है, और ये एक्रेलिक कलर है। एक्रेलिक कलर काफी मीडियम मतलब यूज होते हैं, फैब्रिक के अलावा भी आप इनको यूज कर सकते हो, कैनवस पे भी ये यूज हो जाते हैं और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसको ये खराब क्यों होते हैं, थोड़ी सी गलतियां लोगों की होती हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट खराब होता है। वो चीजें मैं प्रॉपर क्लासेस जो अपनी स्टार्ट करूंगी उसमें प्रॉपर गाइड करूंगी कि क्यों ये कलर आपके जो घर में करते हैं बगैर कोई सीखे हुए उनके क्यों खराब होते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, इनकी टेक्निक्स होती हैं, इसको प्रेस किस तरह करना है, कितने टाइम के बाद वॉश करना है, बस वो आपने स्टार्ट में जो है ना इसको देखना होता है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप नीचे जो रिएक्शन में देखो छोटा सा हार्ट बना होगा और वहां रिएक्शन लिखा होगा, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करो तो कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो ना तो वो आप पूछ सकते हैं। जो मेरी क्लासेस हैं प्रॉपर वो 2 वीक की क्लासेस है, 3 डेज अ वीक आपकी क्लास होगी और उसके टोटल चार्जेस 6,000 है, और उसमें आपको प्रॉपर स्टेप 1 से लेके एंड तक मैं गाइड करूंगी कि कैसे आपने इसको स्टार्ट करना है, और उसके अलावा इस टाइम के अलावा आपने आगे भी टाइम लेना हो तो एक व्हाट्सएप का ग्रुप मैं बना दूंगी जिसमें तमाम क्वेश्चन आंसर और राबता आगे भी रहेगा, आपको कोई भी इशू आए उसमें मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। काम करके आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे अपनी तमाम जो आपको इश्यूज होंगे वो भी अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ मुश्किल हो रही है, तो वो तमाम आपको गाइडलाइन, एक गाइडलाइन मिलती जाएगी। और आप लोगों में से जो स्टार्टिंग में मेरे से मतलब अपनी बुकिंग करवा लेते हैं तो स्टार्ट 15 पार्टिसिपेंट के लिए आप लोगों को 1,000 का डिस्काउंट है, वो आप करवाएं और अपना डिस्काउंट भी अवेल करें, और एक अपना जो है ना बिजनेस एक घर बैठे हुए। तमाम खवातीन को ना कपड़ों का बहुत शौक होता है, ये एक नेचुरल उनके अंदर है। एक तो ये कि आप अपनी ड्रेसिंग बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, आजकल दुपट्टे का बहुत ट्रेंड हो रहा है और मैं बार दफा हैरान हो जाती हूँ जब मैंने काम वगैरह देखा है लोगों का कि दुपट्टे इवन के 25 से लेके 50-50,000 में शरारे और दुपट्टे, उनके ऊपर थोड़ा सा जैसे ये पर्ल्स हैं और ये कोई ग्लिटर वाला काम है, बीड्स हैं, ये ऐड कर देते हैं। तो ये चीजें आपको जो है ना पूरी पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, और इस चीज से आप सारी जिंदगी जो है ना फायदा उठा सकते हैं। मतलब मेरे पास जो क्लासेस होती रही है ना, पहले इतना ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था, फिजिकल जो क्लासेस मेरे घर पे होती रही हैं, उन लड़कियों ने अपने शादियों के मेहंदी के पूरे पूरे जहेज के सेट बनाए हैं, मेहंदी के दुपट्टे इस कदर खूबसूरत ब्राइडल के इसमें बनते हैं, साथ उसमें गुट्टा यूज होता है, गुट्टा क्या होता है और उसको कैसे फिक्स करना होता है, कलर को कैसे परमानेंट एंड फिक्स करना है, ये सारी डिटेल आपको मेरी इन क्लासेस में मिल जाएगी। और इसके अलावा इन क्लासेस के बाद भी आपने मेरे साथ रابطे में ही आपका ग्रुप होगा व्हाट्सएप, आप उसकी ग्रुप में रहोगे और आपको तमाम चीजों में मैं गाइड करती जाऊंगी। अच्छा, एक जो कलर्स में भी लोगों को इश्यू आता है कि कलर कौन कौन सी कंपनियों के हैं, इनमें काफी कंपनियां हैं जिनके जो है ना कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर तमाम कलर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है। कुछ कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, उनके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं। एक तो कलर्स प्रॉपर, ब्रशेस प्रॉपर, और उसके अलावा आपको सिर्फ बेसिक कलर्स लेने हैं, बेसिक कलर्स को मिक्स करके बहुत वैरायटी कलर्स की बनाई जा सकती है। तो आप लोग इसमें अब मुझे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे वो मैसेज कर दें और आप मुझे बता दें कि किस तरह से इसको टाइमिंग वगैरह भी हम आपके अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे कि जिस टाइम पे ज्यादा लोग फ्री हैं तो आपको डेली वो टाइम जो है ना दिया जाएगा प्रॉपर,
और फिर आपका जो काम है वो भी हम लोग बकायदा उसको भी प्रमोट करेंगे, हमारी टीम है तो आप उसके ऊपर भी हमारे बिल्कुल आप सिक्योर होके हमारे साथ काम कर सकते हैं। और जो पेड क्लासेस होंगी ना उसमें तमाम आपको कलर की डिटेल, ब्रशेस की डिटेल के ये कहाँ से अच्छी क्वालिटी के और कम प्राइस में मिलते हैं वो भी मैं शेयर करूंगी आपको, क्योंकि इसमें ना बहुत धोखा भी है हमारे, मतलब जैसे नॉर्मल पता ही है आप लोगों को, तो वो बकायदा अच्छी जगह के आपने लेने हैं। एक दफा आपका जो कलर्स आपके लिए हुए हैं ना वो बहुत ज्यादा चलते हैं, मतलब आपको रोज रोज लेने की जरूरत नहीं है, आप ढेरों शर्ट्स बना सकती हैं थोड़े से कलर लेके। बेसिक हमें 5 कलर स्टार्ट में चाहिए होते हैं, बाकी हमने उसे ही मिक्स कर करके कलर को बना लेना होता है। जैसे व्हाइट कलर से कलर को डार्क किया जाता है, ब्लैक से व्हाइट से लाइट किया जाता है और ब्लैक से डार्क किया जाता है, तो बहुत वैरायटी हर कलर की हमारे पास हो जाती है। आपके क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन तो वही मेरे पास बार बार आता है कि ये खराब तो नहीं होते, ये बिल्कुल खराब नहीं होते, मगर इसमें ये है कि आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे खराब नहीं होते ना। और मेरी जो ये एक क्लास है ना ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस भी नहीं है, जो प्रॉपर 2 वीक्स की क्लास होगी उसके मेरे चार्जेस होंगे और 6,000 उसके चार्जेस हैं, और जो स्टार्टिंग में 15 मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे उनको 1,000 डिस्काउंट मिलेगा, 5,000 में आपकी ये क्लास होगी। और इसके अलावा ये क्लास के बाद भी आप हमारे साथ इन टच में रहेंगे और आपको तमाम डिटेल जो है ना ऑनलाइन हम वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, और आपको डिटेल व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करेंगे, काम को भी शेयर करेंगे और अपनी तमाम चीजों को जो इश्यूज होंगे उन्हें भी हम शेयर करेंगे। अब ये क्लासेस डिटेल में जो है ना वो इस तरह से जो आप लोगों का टाइम फिक्स होगा ना, जो आपकी रजिस्ट्रेशन मेरे पास हो जाएगी तो उसके बाद वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरे पास है। अच्छा, ब्रशेस का एक क्वेश्चन आया है कि ब्रशेस कौन से होने चाहिए हैं, तो ब्रशेस इसमें स्टार्ट जब हम करते हैं ना तो बेसिक हमें 3 4 ब्रश चाहिए होते हैं, उसमें 0 नंबर का ब्रश होता है, 1 2 और तरह 3 नंबर का ब्रश होता है, ग्राउंड ब्रश भी हमें चाहिए होता है, फ्लैट भी चाहिए होता है, और इतनी कॉस्ट उन ब्रशेस की नहीं है। अच्छे जो ब्रशेस हैं मेरा ख्याल है वो 200 की रेंज में एक ब्रश है, जो जरा कम क्वालिटी में है वो तो पैकेट आ जाता है 300 400 रुपये में, कोई उतनी ज्यादा उसकी प्राइस भी नहीं। और बेसिक आपको गाइडलाइन जो है ना ये मैंने आपको बताई है जो कि फ्री क्लास में आपकी है, कि ये बेसिक हर तरह के मटेरियल में। अच्छा, एक क्वेश्चन, अच्छा एक किसी का मैसेज है कि आपने कहा था कि फ्री में सिखाएंगे, तो फ्री जो उसमें था फ्री आपको डेमो क्लास फ्री होगी, बाकी फिर जो है ना आपको पे करना पड़ेगा। हर चीज के लिए देखो आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है, और ये बहुत कम चार्जेस हैं अगर आप वर्क को देखो, आप कोई इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हो तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अब ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह में अगर आप एडमिशन लेते हो, बेसिक इस टाइप की चीजें वहां पे सिखाई जाती हैं, तो उनमें तो आपका लाखों का खर्चा होता है, और इस क्लास में तो आप घर बैठे आराम से बहुत कम रेंज में ये चीज सीख रहे हो। अच्छा, और क्वेश्चन, और आज की देखो क्लास आपकी है, इसके कोई चार्जेस नहीं है आपके, ये फ्री क्लास आपके लिए थी, इसमें बेसिक आपको मैंने बताया है कि ये तमाम मीडियम के ऊपर यूज होगा, कंफर्म इसका कोई रिजल्ट इसके किस तरह के हैं, आपको कलर का मैंने बताया है कि कौन सा कलर हमने यूज करना है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि कैनवस के ऊपर जो होती है ना पिक्चर,
कैनवस के ऊपर भी यही, जब आप सीख लेते हो तो कैनवस के ऊपर भी सेम वही चीज होती है कि आपने इसी एक्रेलिक कलर जो है ना, ये कैनवस पे और फैब्रिक पे दोनों पे यूज होते हैं और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये देखें, ये कलर है जो कि मैरीज के एक्रेलिक कलर है, ये कैनवस पे भी यही यूज होते हैं और फैब्रिक पे भी यही यूज होते हैं। और ये वाली जो साइज की बॉटल है, एक दफा ली हुई पूरा पूरा साल चल जाती है, बहुत ज्यादा शर्ट्स भी यूज हो जाती है। अच्छा, अब एक किसी ने ये भी कहा है कि अल्लाह से डरे। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कोई भी पेमेंट नहीं ली हुई है, आप लोगों ने आज की जो क्लास है फ्री है। अगर आपसे कोई पेमेंट लेके कोई चीज ना करे ना, तो उसको तो वाकई ही डरना चाहिए। अच्छा देखें, ये ना बीच में म्यूट हो गया था, ये ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर ही सारी ड्राइंग होती है। ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कपड़े को इन ड्राइंग पिंस के साथ फिक्स किया जाता है और फिर इसको फिक्स करने के बाद इसके ऊपर कार्बन पेपर रख के कोई भी जो पैटर्न आपने ट्रांसफर करना होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। इसके ऊपर फिर हमें अपना पैटर्न रखेंगे और कार्बन पेपर रखेंगे, ठीक है, और इसके जो डिजाइन हमारा होगा उसको कपड़े के ऊपर ट्रांसफर करेंगे और फिर ये कलर्स हैं, इनके साथ बाइंडर यूज होता है, उस बाइंडर को मिक्स करके हमारे ब्रशेस के स्ट्रोक होते हैं, आपने उसको किस तरीके से प्रेस करना है, कितने दिनों के बाद प्रेस करना है, इसमें कौन कौन से कलर कैसे मिक्स होने हैं, ये तमाम डिटेल मेरी आगे की जो क्लासेस हैं उसके अंदर होंगे और बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे, क्योंकि सिखाने वाला अगर चाहे ना तो सीखने वाले को बहुत जल्दी ग्रूम कर सकता है।
अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बोर्ड का नाम बता दें। ये बोर्ड है, ये ड्राइंग बोर्ड है, इसको ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ये इसकी ये लकड़ी टाइप का मटेरियल है। ये देखें इसकी थिकनेस, ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, मैं आपको इस साइड से दिखाऊं अगर आपको नजर आ रहा है। ये स्टेशनरी पे आपने जाके बताना है, ड्राइंग बोर्ड आपको आराम से मिल जाएगा। ये मेरे पास काफी बड़े साइज में है, इसमें छोटे साइज भी आते हैं। और ये जो पेन्स है ना, इनको हम कहते हैं ड्राइंग पेन्स। ये इसके अंदर बहुत आसानी से प्रेस हो जाती है। जो नॉर्मल लकड़ी है उसमें पेन्स जो है ना प्रेस नहीं होती, फिक्स नहीं वो करता, तो इस पे कपड़ा आपका हिलता नहीं है। अच्छा, और क्वेश्चन यहाँ पे ग्रुप में, ठीक है, जिनके मैसेज आ रहे हैं कि ग्रुप में ऐड कर लें, उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा, दोबारा से ये क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बता दें कि परमानेंट के लिए, परमानेंट कलर के लिए, कलर ये परमानेंट है, उसमें बिल्कुल भी आप किसी शक में ना आए, ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। अब ये जो नीचे की जो शर्ट है, ये वाली, ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इसको, कितनी दफा वॉश हुई है और कोई खराबी इसके अंदर नहीं आती है। बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। जितना कपड़ा पायदार है उतने ही ये कलर्स पायदार हैं, कभी भी खराब नहीं होंगे। और इसके साथ जो है ना, इसमें पर्ल्स के अलावा सितारे, मोती, वो सारे जो है ना इसके ऊपर आप लगा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन जाके देखो इस टाइम मारिया सज्जाद का पेज इंस्टा पे, और वो तकरीबन एक एक दुपट्टे के कोई 30,000 और इस तरह 25, इस तरह जो है ना उनके चार्जेस हैं, वो सेल कर रही हैं। आप अपना इंस्टा का पेज अपना बना सकते हो, टिकटॉक का बना सकते हो, फेसबुक में आप अपना कर सकते हो, और बहुत जल्दी ऑर्डर आ जाते हैं। मतलब मुझे तो वो पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं, तो बहुत इजी काम है। और इससे आसान तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती है खवातीन के लिए कि आप घर में बैठ के अपना एक ब्रांड शुरू कर रहे हो। और इसके अलावा ये है कि आप अपने लिए भी बहुत इजीली बना सकते हो। अब तो शादियों के लिए जो है ना, ब्राइडल ड्रेसेस तक इसके बन रहे हैं। जिस जिसने आप अपने मैसेज मुझे करते जाएं, तो जो स्टार्टिंग के मेरे 15 मेंबर्स हैं उनके लिए 1,000 का डिस्काउंट है। हाँ, कांटेक्ट जो नंबर आपने जिस पे ये किया है ना ज्वाइन, उसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। और चार्जेस जिनको इतना, मतलब वो जो कह रहे हैं ना कि फ्री क्लास, तो ये देखिए आपको ये अभी की क्लास फ्री ही मैं दे रही हूँ। और इसमें आपको बेसिक तमाम उसकी इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि आपने जो प्रॉपर क्लास करनी है ना, उसको आपने क्यों करना है। आपने काम जो है ना आपने देख लिया है, आपके सामने है सारा काम, आप देख लो। उसके बाद जो कलर्स और इसके जो चार्जेस है ना, इतने कम चार्जेस के अंदर तो दो सूट आपके भी नहीं आते। एक शर्ट आपकी जो किसी भी ब्रांड की है, वो अब मैं देख कर आई हूँ, मुझे वो अच्छी लगी थी, 12,000 की शर्ट थी, और अब मेरा माइंड था कि मैं वो खुद घर पे बना लूंगी, तो मेरी तो वो बहुत कम में फिर बन जाएगी। तो आप खुद सोचो कि सीखने के बाद आप कितनी कम रेंज में किसी भी ब्रांड का कोई भी चीज आपको पसंद आती है, थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप कितनी आसानी से बना सकते हो। जैसे अब ये वाली शर्ट है, आप एक फ्लावर दामन पे बनाओ, दो बना लो, जैसे आपको पसंद हो, अपनी पसंद के आप कलर स्कीम यूज कर सकते हो। दूसरी जगह पे तो अब मुझे इश्यू क्योंकि होता है, क्योंकि जब मैं लेने जाती हूँ मुझे नहीं पसंद आते अपने कलर, आप अपने हिसाब से कि आपको क्या कलर पसंद है, उस पे क्या कलर लगाना है, वो आप अपनी सिलेक्शन खुद कर सकते हो, और अपनी ड्रेसिंग को, अपने बिजनेस को बहुत आराम से प्रमोट कर सकते हो। अच्छा, इसकी एग्जीबिशंस मैं करवा चुकी हुई हूँ, होटल वगैरह में हो जाती हैं, अभी भी यहाँ पे हम लोगों के तो है। अब ये देखो, सिर्फ जरा से पर्ल्स ऐड है कि पूरी पूरी इस शर्ट का ये पूरा फ्रंट है, और बहुत खूबसूरत इसकी लुक आती है।
और फिर ग्रुप में मैं इंशाल्लाह आपसे बाकी जो काम है ना वो तमाम शेयर करूंगी कि कौन कौन सी चीजें इसमें कैसे कैसे हम कर सकते हैं। दुपट्टे पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, दुपट्टे के अलावा जो और सिल्क का मटेरियल है उसके लिए क्या प्रिकॉशंस करनी होती हैं, फैब्रिक डिफरेंट है जॉर्जेट है तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो तमाम डिटेलिंग जो है ना वो आपको प्रॉपर क्लास में होगी। आपके जो नीचे नीचे जो बार आ रही है ना उसमें आप देखो रिएक्शन जो है ना ऐसे हार्ट बना हुआ है और रिएक्शन लिखा हुआ है, उसमें आप अपने क्वेश्चन आप मुझे उसको क्लिक करो, रेज हैंड करो तो आपको मैं रिप्लाई अभी जो है ना कर दूंगी जो भी चीज आपने पूछनी होगी। ठीक है, आपको जो ये जो क्वेश्चन है मेरे पास आ गए हैं, मेरा पर्सनल नंबर तमाम डिटेल आपको जो है ना। अच्छा, फैब्रिक पेंट कौन सा यूज करते हैं? फैब्रिक पेंट दो तीन तरह के हैं, वो सारे बहुत अच्छे हैं। मैरीज कंपनी बहुत अच्छी है, ब्लूबर्ड कंपनी बहुत अच्छी है, रोजीटा कंपनी बहुत अच्छी है और वेमिक कंपनी बहुत अच्छी है। डिफरेंट कपड़ों के ऊपर ना डिफरेंट जो है ना फैब्रिक को हम यूज करते हैं, वही चीजें जो है ना मैं आपको इधर वो बताऊंगी कि हमने किस कपड़े पे कौन सा कलर यूज करना है और क्यों वो वाला कलर यूज करना है। अच्छा, कमेंट किसी ने काम आपका बहुत प्यारा है माशाल्लाह, नैना ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, और एक ने कहा है कि आप फ्री सिखा दे, पैसे नहीं दे सकते। अच्छा, अब एक जो है ना वो बता रही है कि लेट ज्वाइन किया है तो आप बता दें डिटेल, ये पेड कोर्स है। अच्छा डियर, आपका जो है ना मारिया जो है ना उन्होंने ये कहा है ये आज की जो क्लास है ये पेड नहीं है, ये फ्री है और इसमें आपको मैंने अपना काम जो है ना वो दिखाया है कि बेसिकली आपको मैंने क्या सिखाना है। ये फैब्रिक पेंट है, परमानेंट कलर्स हैं और डिजाइन मैंने आपको दिखा दिए हैं, आपने देख लिए होंगे वो। और जो पेड कोर्स है उसके चार्जेस आपको पे करें, आप पे करेंगे तो वो क्लासेस आप लेंगे 6,000 उसके चार्जेस हैं, 15 दिन की क्लासेस हैं, 3 डेज अ वीक क्लास होगी। और क्लास आपकी ये क्लास लेने के बाद भी आपको कोई इश्यू होगा तो मैं कांटेक्ट में रहूंगी और एक ग्रुप मैं बनाऊंगी जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट ऐड होंगे, अपनी जो भी इश्यू होंगे अपना काम होगा वो लाइव मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि ये कैसे होगा, कपड़े पे कैसे ट्रांसफर होगा डिजाइन और कलर को कैसे मिक्स करना है, कलर के जो स्ट्रोक्स हैं वो कैसे लगानी है, क्या डायरेक्शन होनी है, क्या किस चीज से मिक्स करना है, ये तमाम जो डिटेल है वो फिर स्टेप बाय स्टेप क्लास में होगी। कि पहले दिन के क्लास में कपड़े पे ट्रांसफर कैसे होगा वो बताऊंगी, उसके बाद कलर मिक्सिंग और उसके बाद पूरी कलरिंग और शेडिंग तमाम टेक्निक्स आपको बताऊंगी। अच्छा, अभी आपका जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होगा तो अभी ये क्लास मैं बंद कर रही हूँ, आप रिएक्शन के ऊपर क्लिक करके लाइव अभी जो भी क्वेश्चन है आप वो कर लें। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर रही हूँ, दोबारा से आप रिज्वाइन कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।